वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इकदाम, लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अस्सर-ए-नो तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं, उम्मीद है 230 बेड का अस्पताल सवा साल में मुकम्मल होगा। डॉक्टर्स के लिए हमें जो करना पड़ा करेंगे, अस्पताल नहीं बनाना चाहते थे, इमारत की तह में पानी देखकर फैसला करना पड़ा। अस्पताल की तामीर के लिए दो बड़े इदारे जुड़े। टीचिंग अस्पतालों की मेडिसिन के लिए 9 करोड़ 90 लाख जारी, THQ DHQ की अद्वियात के लिए 41 करोड़ 60 लाख मुंतकिल, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 27 करोड़ जारी, हेल्थ काउंसिल के लिए 8 करोड़ 30 लाख, पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए, बीबी पाक दामन के मजार की बहाली के लिए 1 करोड़ 10 लाख जारी। बाबू साबू बंद रोड कॉरिडोर की कुशादगी का प्लान, मंसूबे के लिए 38 कनाल 11 मरले राजी एक्वायर की जाएगी। LDA ने बाबू साबू मंसूबे की रिवाइज BC1 पर काम शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने 35 लाख फी मरला कीमत मुकर्रर कर दी। लैंड एक्विजिशन पर 3 अरब 10 करोड़ 33 लाख लागत आएगी, लागत 10 अरब से बढ़कर 13 अरब से जायद हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले, चिंची रिक्शा को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरामीम की मंजूरी, मोटरसाइकिल रिक्शा को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, रिक्शा को साइज डिजाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दिए जाएंगे, रिक्शे की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान, फॉर्म उर्दू में शाया करने की हिदायत, दाता दरबार की तामीर मरम्मत और तौसी का प्रोजेक्ट भी मंजूर, नर्सिंग कॉलेज के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन बनेगा। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आला ऑफिस में ऐप का इफ्तिताह कर दिया, बोले अब शहरी घर बैठे लाइसेंस बनवा सकेंगे। उधर वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, लाहौर में 871% जायद लाइसेंस जारी। पंजाब ने विफाक की तर्ज पर पे स्केल में तरामीम कर दी, MP1 से 3 तक तनख्वाहों में बड़ा इजाफा, MP1 स्केल पर काम करने वाले की माहाना तनख्वाह 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई, MP2 की तनख्वाह 8 लाख और 3 वाले अफसर की तनख्वाह 6 लाख तक होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ई चालान होंगे, कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, निशानदही के लिए मुतालिका इदारों के नुमाइंदे तायुनात होंगे। MD सेफ सिटीज एसएन यूनिस के मुताबिक महकमे ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे गाड़ी की कंडीशन बारे आगाह करेंगे। YDA की हठधर्मी बरकरार, सरकारी अस्पतालों के OPD 15 दिन से बंद, मरीजों के MRI एक्सरे और CT स्कैन रुक गए, खुमियाजा मरीज भुगतने लगे, नाक आंख और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद के ऑपरेशन भी मुतासिर, सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज जारी। शहर भर में डेंगू की फड़फड़ाहट जारी, एक दिन में बुखार के 27 नए मरीज अस्पताल जा पहुंचे, 90 मरीज बदस्तूर जेर इलाज, मच्छरों की अफजाइश जारी, मजीद 110 मकामात से लार्वा बरामद। शाहमीरा के मकीन सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम, सरकारी डिस्पेंसरी अरसे से बंद, ना स्टाफ ना अद्वियात में असर, इमरजेंसी की सूरत में वक्त पर इलाज मुआवजा नहीं होता, कई बार दरखास्तें करने के बावजूद इंतजामिया के कान में जूं तक न रहेंगी। इकबाल टाउन वहदत लिंक रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगा, इंतजामिया की गफलत के बायस सड़क पर कूड़े के ढेर जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना, गुलशन रावी का ख्वाजा फरीद रोड कई सालों से लावारिस बन चुका, मेन सड़क जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार, इलाका मकीन बीमारियों का शिकार होने लगे। किसान बोर्ड पाकिस्तान के जरिए तमाम खाद माफिया के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरीन की खाद माफिया के खिलाफ नारेबाजी, खाद की कीमतों और ब्लैक में फरोख्त पर मुजाहरीन बरहम, प्रेस क्लब के बाहर किसान बोर्ड के अहदेदारों समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। सरकारी स्कूलों में लैब्स, किताबों और आलात की शदीद किल्लत,
लाहौर में 20% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में साइंस लैब्स लाइब्रेरियां मौजूद नहीं। एजुकेशन अथॉरिटी का नोटिस, लैब्स और लाइब्रेरियों का डाटा तलब, स्कूल सरबराहान एक रोज में डाटा को मुहैया करेंगे। महकमे खसूसी तालीम को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना, डीजी ऑफिस गार्डन टाउन के पास डीजल खरीदने तक के पैसे भी नहीं। पिक एंड ड्रॉप वाली बसें भी बंद होने का खदशा, स्कूल सरबराहान के मुताबिक अफसरान की गाड़ियों के लिए फ्यूल कार्ड भी ब्लॉक हो गए, फंड्स फराहम ना किए तो पिक एंड ड्रॉप बंद करना पड़ेगा। बिजली बिलों पर इनकम टैक्स से मुतालिक विफाकी टैक्स मुहतसिब का बड़ा फैसला, खसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश, विफाकी टैक्स मुहतसिब ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नफाज की भी वजाहत तलब कर ली। FBR ने सार्फिन को टैक्सेस की एडजस्टमेंट के लिए वेब एड्रेस पर आगाह कर दिया। ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आने लगा, रुपए की कदर बढ़ गई, डॉलर 25 पैसे सस्ता 284.50 रुपए का हो गया, यूरो, बरतानवी पाउंड, इमाराती दिरहम और सऊदी रियाल भी सस्ता हो गया। ट्रेन में दौरान सफर अदम सहूलियात, बोगियों की हालत इजार, टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा, रवामा 18,294 मुसाफिरों ने टिकटें रिफंड करवाई, खजाने से 4,28,56,000 मुसाफिरों को वापस किए गए, सातों डिवीजंस में टिकटों की रिफंडिंग की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ समाअत, हाईकोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी, फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल, जस्टिस आलिया नीलम ने कहा दरख्वास्त में कई कानूनी इश्यूज हैं, मुनासिब होगा लार्जर बेंच समाअत करे। बुशरा बीबी की मुकदमात इंक्वायरीज की तफसील का केस, पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नहिंग पेश हुए, हाई कोर्ट के दोरुकनी बेंच ने समाप्त की, जस्टिस शहराम सरवर ने कहा केस में जवाब आ चुका अब केस निपटाना चाहते हैं, लतीफ कोसा के पेश न होने पर समाप्त मुलतवी। पसंद की शादी करने वाला 60 साल शख्स अहलिया की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट मैरिज की, ससुराल वाले जबरदस्ती बीवी को साथ ले गए, फलक शेर का दरख्वास्त में मौकफ, कहा दूसरी बीवी मेरी और पहली बीमार बीवी की खिदमत करेगी। थानों के रोजनामचे की डुप्लीकेट कॉपी बारे केस, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह पेश, DIG ने रोजनामचा की कॉपी बारे रिपोर्ट पेश कर दी, हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, अहकामात पर सूबे भर में अमल दरामद करवाने की हिदायत। सेशन कोर्ट में कत्ल केस की समाअत, SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन 16 दिसंबर को जाती तौर पर तलब, अदालती हुक्म की तामील ना करने पर तलब किया गया, एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने केस की समाअत की। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास, 5 माह के रेवेन्यू जनरेशन के अहदाफ के हसूल का जायजा लिया गया, फाइनेंस डायरेक्टोरेट ने ब्रीफिंग दी, कमिश्नर की फाइन फीस और पेनल्टीज की मद में रिकवरी में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की महकमाना फोकल पर्सन के साथ मीटिंग, वजीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत से आगाह किया, दरख्वास्ती कार्रवाई में खामियों बारे दरियाफ्त किया, MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स की भी शिरकत। मुस्लिम यूनियन के पार्लियामानी बोर्ड का 7वां इजलास, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं, पार्लियामानी बोर्ड मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहा है, इधर हमजा शहबाज कतर के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। आईजी उस्मान अनवर की इलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड आमद, जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, जेरे तरबियत अफसरान और अहलकारों के लिए जेरे तामीर हॉस्टल्स का मुआयना किया, बोले तामीराती प्रोजेक्ट्स के मटेरियल और मयार में हरगिज कोई समझौता ना किया जाए। पंजाब जुडिशियल अकेडमी में सिंफी इम्तियाज और तशद्दुद के मुतालिक तरबियती कोर्स का आगाज, 26 एडिशनल सेशन जजेस और 4 प्रोसिक्यूटर्स के एजाज में तकरीब,
कायम मुकाम डीजी अश्तर अब्बास का खिताब, कहा तरबियती कोर्स से बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी में मदद मिलेगी। और जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार, सालाना सात रोजा गुलदाउदी की नुमाइश जारी, फूलों की सैकड़ों इकसाम को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। नुमाइश देखने शहरियों का जिलानी पार्क का रुख, गुलदाउदी की 100 से ज्यादा इकसाम को जदीद डिजाइन से सजाया गया।